हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिम एजुकेशन। माई सेल्फ अंकिता शर्मा, कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर 6 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स, इसके ऑब्जेक्टिव्स हम जो आज वीडियो में क्या क्या करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ह्यूमन रिसोर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन चेंज एंड द लास्ट वन इज पॉपुलेशन कंपोजिशन। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव हैं जो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, जो केवीएस का पीआरटी का जो सिलेबस है उसमें ये मेंशन किया हुआ है। ह्यूमन रिसोर्स जो है वो ह्यूमन रिसोर्स टॉपिक जो हमें मेंशन किया गया है, पॉपुलेशन ग्रोथ भी। तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जानी थी अदरवाइज, तो उसको हम अलग वीडियोज में कवर कर लेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ को, उसके ऊपर जो भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम ह्यूमन रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे, तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। ओके, ह्यूमन रिसोर्स होता क्या है? अगर हमें याद हो कि हमने जो रिसोर्सेज पढ़े थे उसमें हमने पढ़ा था कि रिसोर्सेज कितनी तरह के होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, एक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होते हैं। तो तीसरा क्या था, हमने पढ़ा था कि ह्यूमन खुद एक रिसोर्स है। कैसे? क्योंकि ह्यूमन में इतनी कैपेबिलिटी होती है, उसकी एबिलिटीज होती हैं कि वो क्या करता है कि जो फिजिकल मटेरियल है, जो भी उसको नेचर से मिल रहा है, उसको वो कन्वर्ट कर सकता है किसी भी, एक तरह से हम बोल सकते हैं यूजफुल रिसोर्स में। जो नेचर से उसको मिल रहा है उसको वो यूजफुल रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकता है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी डिमांड्स के हिसाब से। तो ह्यूमन रिसोर्स हम बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एक अल्टीमेट रिसोर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, क्योंकि उसकी जो मेंटल कैपेबिलिटीज हों या फिजिकल कैपेबिलिटीज हों, तो वो अपने रिक्वायरमेंट और अपनी एबिलिटी के हिसाब से जो है रिसोर्सेज को वो अपने हिसाब से डेवलप कर सकता है। अब ह्यूमन रिसोर्स अगर हम बोले, हेल्दी एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड पर्सन डेवलप रिसोर्सेज एज पर देयर रिक्वायरमेंट। अब हमने हेल्दी और एजुकेटेड क्यों लिखा है, क्योंकि कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स कितना डेवलप होगा, कि जो ह्यूमन है वो एज ए रिसोर्स पे किस तरह से काम करेगा। अगर हम बात करें, जैसे हमने बोला था कि नेचुरल रिसोर्सेज को हमने पढ़ा था कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, क्योंकि ज्योग्राफिकल फैक्टर्स होते हैं वो अफेक्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन को, क्योंकि ये टोपोग्राफी के ऊपर डिपेंड करता है, वहाँ की रिलीफ के ऊपर, कि जो रिसोर्सेज हैं, जो मिनरल्स हो गए, हम बात करें अगर सॉइल होगी कहाँ की फर्टाइल होगी कहाँ की नहीं, तो वहाँ के क्लाइमेट, टोपोग्राफी, इन सब चीज़ों के ऊपर जो हम बोल सकते हैं ज्योग्राफी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। उसी तरह से ह्यूमन रिसोर्स भी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। क्यों? क्योंकि डिपेंड करता है एजुकेशनल लेवल्स के ऊपर, एज के ऊपर, सेक्स के ऊपर, तो इनके नंबर जो है वो चेंज कर सकते हैं। क्योंकि जहाँ पे किसी को अगर एजुकेशन अच्छी मिल रही है, उसकी मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी मिल रही है, वहाँ पे उनका लाइफस्टाइल अच्छा है रहने का, उनकी मेंटल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो ये सब चीज़ें वहाँ वेरी करेगा, क्योंकि वहाँ ह्यूमन एज ए रिसोर्स बहुत ज़्यादा अच्छा काम करेगा एज कम्पेयर टू जहाँ पे खाने को भी खाना नहीं मिल रहा, या पीने को अच्छा पानी नहीं मिल रहा, एजुकेशन नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो इन दो सिचुएशंस की बात करें तो कौन सी सिचुएशन में जो है ह्यूमन एज ए रिसोर्स अच्छा काम करेगा। तो इसी तरह से हम बोल सकते हैं कि जो ह्यूमन है वो एज ए रिसोर्स जो है, ह्यूमन रिसोर्सेज वो भी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। यहाँ पे अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें, इंडिया में जो है 1985 में MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है वो क्रिएट किया गया था। इसका एम था कि लोगों की स्किल को इम्प्रूव करना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है। और दूसरा है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसका गठन किया गया था 2015 में। इसका एम था कि 2016 से लेकर 2020 तक 1 करोड़ जो युवा हैं उनको हमने ट्रेन करना है। किस लिए ट्रेन करना है? जो ऑलरेडी जो है वेज अर्नर्स हैं, उनकी स्किल्स को, उनके एप्टीट्यूड को जो है ट्रेनिंग देनी है, उनके एप्टीट्यूड को इनकरेज करना है। तो ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, इम्पोर्टेंट हो सकता है। 2015 की कब शुरू हुई थी, 2015 में, और इसका एम क्या था? इसका एम था कि 1 करोड़ से ज़्यादा जो है, 1 करोड़ यूथ जो है उसको 5 सालों में जो है उसको ट्रेनिंग देनी है। तो आगे हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, कि हमने पढ़ा कि ह्यूमन रिसोर्स जो है वो कौन कौन से फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं। तो हम पॉपुलेशन की बात करेंगे कि पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होती है, या पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन भी इवनली होती है या अनइवनली होती है। हमें पता है कि हमारी जो अर्थ है, जो हमारा प्लैनेट है अर्थ, उसमें 70% वाटर है और 30% क्या है, लैंड है। तो वो जो 30% लैंड है उसका भी सिर्फ 30% जो है वहाँ पे हमारे वर्ल्ड की 90% पॉपुलेशन रहती है। 90% कि हमारे जो वर्ल्ड की 90% पॉपुलेशन है वो जो 30% है उसके भी 30% में रहती है, बाकी या तो जो 70% बता या तो बिल्कुल कम रहती है या कई जगह पे बिल्कुल भी नहीं। ऐसा क्यों है? ज्योग्राफिकल कंडीशंस, कुछ जो हमारे पास एक्सट्रीम प्लेसेस होते हैं जहाँ एक्सट्रीम ठंड होती है या बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, वहाँ पे
फेवरेबल नहीं होती कंडीशंस रहने की, जैसे ट्रॉपिकल डेजर्ट्स हो गए जहाँ पे गर्म रेगिस्तान होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि हाई लैटिट्यूड एरियाज, वहाँ पे क्योंकि जहाँ पे ये जो एक्सट्रीम कंडीशंस होंगे वहाँ पे वेजिटेशन नहीं होगी, तो रिसोर्सेज नहीं होंगे, तो इसीलिए वहाँ पे लाइफ भी जो है बहुत टफ होती है. हाई माउंटेन्स हो गए या एरियाज ऑफ इक्विलेटरल फॉरेस्ट जो हो गए, इक्विटोरियल फॉरेस्ट, सॉरी. तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होगे, लोग कहाँ पे रहना ज्यादा प्रेफर करते हैं, जहाँ पे उनको रिसोर्सेज अच्छे से मिल रहे हैं, नदियों के किनारे, प्लेन्स में, क्योंकि वहाँ पानी है, रिसोर्सेज हैं, एम्प्लॉयमेंट है, सब कुछ है. तो इसीलिए से जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो उन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है. अगर हम बात करें कि हमारा जो हमें पता है एक साउथ इक्वेटर की तरफ ऊपर नॉर्थ पड़ता है, नीचे साउथ, तो अगर हम बात करें इक्वेटर से साउथ की तरफ कम लोग रहते हैं और जो नॉर्थ की तरफ है मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो नॉर्थ की तरफ पड़ती है इक्वेटर से, तो हमारी जो ऑलमोस्ट 3/4 पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, 3/4 आप समझ सकते हो, 3/4 जो पॉपुलेशन है, मतलब 75% जो पॉपुलेशन है सिर्फ दो कॉन्टिनेंट्स में रहती है, दैट इज एशिया एंड अफ्रीका. तो सिर्फ दो कॉन्टिनेंट्स है जहां पे हमारे वर्ल्ड की 3/4 पॉपुलेशन जो है वो रहती है, और जो 60% पॉपुलेशन है, मतलब 60% पॉपुलेशन वर्ल्ड की सिर्फ 10 कंट्रीज में है, मतलब 10 कंट्रीज ऐसी हैं जिनकी पॉपुलेशन 100 मिलियन से ऊपर है. तो 10 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे वर्ल्ड की 60% पॉपुलेशन है. कौन कौन सी कंट्रीज है, चाइना जो है नंबर 1 है पॉपुलेशन में, उसके बाद आता है इंडिया, नंबर 3 पे यूएसए, देन इंडोनेशिया, उसके बाद ब्राजील, एंड देन पाकिस्तान, बांग्लादेश, रशिया, नाइजीरिया एंड जापान. ठीक है, तो हम आगे पढ़ेंगे. ये तो हमने पढ़ा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, की पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होती है. आगे हम पढ़ेंगे डेंसिटी. डेंसिटी क्या होती है कि अगर पहले एक बार ये देख लेते हैं कि हमने पढ़ा था, अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि जो इक्वेटर का साउथ है, ये हम अगर हमारे पास ये इक्वेटर है, हमें पता है इक्वेटर, अगर ये इक्वेटर है, ओके, तो ये इक्वेटर का साउथ है और ये नॉर्थ है. ठीक है, तो आप यहां से पता लगा सकते हैं कि ये देखिए ये जो है ये रेड मार्क जो है, इसका मतलब है कि पॉपुलेशन की डेंसिटी जो है, पॉपुलेशन डेंसिटी होती क्या है कि एक स्क्वायर किलोमीटर में, वन स्क्वायर किलोमीटर, एक स्क्वायर, वन स्क्वायर किलोमीटर, उसमें कितनी पॉपुलेशन रहती, कितने लोग रहते हैं, तो मोर देन 330 से ज्यादा लोग कौन सी कंट्री में, पूरे इंडिया में. देख लीजिए इंडिया रेड में जो है यहाँ पे हाईलाइट है, तो इंडिया की मतलब है जो पॉपुलेशन डेंसिटी है बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब ये जो एरियाज हैं जैसे पर्पल हो गया, यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है, तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि जो साउथ की तरफ है, जो इक्वेटर का साउथ है, वहाँ पे पॉपुलेशन कम है एज कम्पेयर टू जो नॉर्थ है, वहाँ पे मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो नॉर्थ में रहती है. तो आप देख लीजिए जो रेड में है वहाँ पे मतलब पॉपुलेशन भी ज्यादा है और पॉपुलेशन डेंसिटी भी ज्यादा है. अब डेंसिटी कैसे अफेक्ट करती है, अब अगर हम चाइना की बात करें, हमने पढ़ा कि चाइना जो है नंबर 1 है पॉपुलेशन में, पर उसकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कम है एज कम्पेयर टू इंडिया. क्यों, क्योंकि वहाँ का जो एरिया है वो ज्यादा है, वो भी डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ के जो एरिया है, जियोग्राफिकल एरिया, वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू इंडिया. तो इसीलिए अगर हम बात करें पर स्क्वायर किलोमीटर जो लोग हैं इंडिया के, वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू चाइना, क्योंकि वहां के पास, अगर हम बात करें कि अगर 30 बच्चे एक क्लासरूम में बैठते हैं तो हमें बहुत क्राउडेड सा लगता है वो क्लासरूम, क्योंकि 30 बच्चे बैठे हैं, हम सोचते हैं बड़ा क्राउडेड सा. अगर वही 30 बच्चे अगर एक स्कूल के बड़े हॉल में बैठेंगे तो हमें वो कम लगेंगे. क्यों, क्योंकि इनका इसका एरिया ज्यादा है. उसी तरह से ये है कि इंडिया का जो जियोग्राफिकल एरिया है वो कम है एज कम्पेयर टू चाइना, इसीलिए उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू चाइना. आगे हम बात करेंगे जो 70 to 140 ये जो येलो में हमारे पास मार्क है, फिर 30 to 70, तो एक तरह से एक डाटा है कि कहाँ पे जो है पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी ज्यादा है. अब अगर बात करें कि कहाँ पे जो है लोग हाईली पॉपुलेटेड हैं, तो कौन कौन सी, अगर हम कॉन्टिनेंट की बात करें तो साउथ सेंट्रल एशिया, ये हमारे पास एशिया है, हमें पता है कॉन्टिनेंट का, ये एशिया है, ये यूरोप है, ये हमारे पास नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका और ये ऑस्ट्रेलिया, नीचे एंटार्क्टिका और ये आर्कटिक. तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ब्लू है, ब्लू मतलब ये जो एरिया है यहाँ पे कोई नहीं रहता, क्योंकि एक्सट्रीम कंडीशंस हैं, यहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो भी सकती है पर लाइफ जो है बहुत टफ होगी, क्योंकि जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो फेवरेबल नहीं है, वहाँ की ज्योग्राफी जो है वो फेवरेबल नहीं है, जो टोपोग्राफी है, जो रिलीफ है, वो सब कुछ यहाँ पे जो लाइफ के लिए फेवरेबल नहीं है. तो कौन, हमने बात की साउथ सेंट्रल एशिया, ये साउथ में, साउथ एशिया में क्या आता है, इंडिया, चाइना, ये सारे आगे, उसके बाद ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया. ईस्ट एशिया में क्या आता है, ये चाइना आ गया. तो ये सब क्या है, हाईली पॉपुलेटेड जो है. तो हमने थोड़ी सी डेंसिटी डिस्कस कर ली, हम थोड़ा सा इसकी थ्योरी देख लेते हैं.
हम डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी क्या होती है वही हमने पढ़ा, पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग रहते हैं, ठीक है। अगर इंडिया की डेंसिटी की बात करें तो इंडिया में पर स्क्वायर किलोमीटर 382 पीपल लोग जो है वो रहते हैं। ये क्वेश्चन जो है पिछली बार KVS का जो एग्जाम है उसमें ये आया हुआ था कि पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है इंडिया की। अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन डेंसिटी है 51 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो हमने ये देख लिया कि जो पॉपुलेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इवन नहीं है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है पॉपुलेशन। ऐसा क्यों है ये भी हमने डिस्कस किया, दोबारा से देख लेते हैं। क्योंकि टोपोग्राफी जो है, ये जो जियोग्राफिकल फैक्टर्स हैं, जियोग्राफी मतलब टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल, वाटर, मिनरल्स, ये जो टोपोग्राफी है, जो लोग जो है एक्सट्रीम कंडीशंस में जो है नहीं रह सकते। जैसे अगर हम बात करें कि प्लेन्स में ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं, स्पेशली जहाँ रिवर्स होती हैं वहाँ पे। अब इंडिया की बात करें, गंगा और जो ब्रह्मपुत्र का प्लेन्स है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के जो प्लेन्स है वहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, जो गंगा के किनारे बसे हुए हैं। उसके बाद जो और जो एक्सट्रीम कंडीशंस हैं, जैसे एंडीज हो गए, एल्प्स हो गए, हिमालयाज हो गए, ये स्पार्सली पॉपुलेटेड है, कम पॉपुलेशन है क्योंकि एक्सट्रीम कंडीशंस है यहाँ पे। एंडीज जो है वो है साउथ अमेरिका में, एल्प्स जो है वो यूरोप और एशिया के बॉर्डर पे, और हिमालयाज तो हम जानते हैं कहाँ पे एशिया में। क्लाइमेट अगर हम बात करें कि एक्सट्रीम क्लाइमेट में जो है वो लाइफ पॉसिबल नहीं है। सॉइल की बात करें, जहाँ सॉइल की फर्टिलिटी ज्यादा होगी वहाँ लोग रहेंगे, क्योंकि सॉइल की फर्टिलिटी ज्यादा होगी तो वहाँ पे प्रोडक्शन ज्यादा होगी, तो डिमांड्स जो है वो इजिली जो है वो पूरी की जा सकती है। जैसे इंडिया की बात करें, गंगा और ब्रह्मपुत्र इन इंडिया, और चाइना की बात करें, हवांग ही एंड चैंगजियांग, चाइना की जो रिवर्स है वहाँ पे जो है पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। और इजिप्ट की बात करें तो नील नदी, जिसको नाइल बोलते हैं, यहाँ ये सारी क्या है, डेंसली पॉपुलेटेड। वाटर, जहाँ पे फ्रेश वाटर जो है इजिली अवेलेबल होगा वहाँ पे डेंसिटी जो पॉपुलेशन की वो ज्यादा होगी। मिनरल्स, क्योंकि मिनरल्स होंगे तो क्या होगा, इंडस्ट्रीज सेटअप होंगी, इंडस्ट्रीज होंगी तो एम्प्लॉयमेंट होगी, एम्प्लॉयमेंट होगी तो डिमांड्स पूरी होंगी। तो इस तरह से जहाँ पे मिनरल्स रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होती है। तो ये जियोग्राफिकल फैक्टर्स थे, कुछ आगे फैक्टर्स हैं, सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो सोशल फैक्टर्स कौन से हैं कि जहाँ पे हाउसिंग अच्छी होगी, एजुकेशन अच्छी होगी, हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज जो होंगी, हेल्थ फैसिलिटीज वो अच्छी होंगी, तो वो ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड होंगे। अगर हम इंडिया की बात करें कि कहाँ कहाँ पे जो है डेंसली पॉपुलेटेड है, ये हमने देख लिया उत्तर प्रदेश, सॉरी बिहार, बिहार की आप देख लीजिए कि जो डेंसिटी है वो कितनी ज्यादा है, 1102 पर्सन पर स्क्वायर मीटर, और वेस्ट बंगाल की सबसे ज्यादा है, सॉरी बिहार की सबसे ज्यादा है, उसके बाद वेस्ट बंगाल की 1029 पर स्क्वायर किलोमीटर, उत्तर प्रदेश की देख सकते हैं आप 828 पर स्क्वायर किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश की सबसे कम है 17 पर स्क्वायर किलोमीटर। तो ये जो है डेंसली पॉपुलेटेड क्यों है, क्योंकि गंगा और ब्रह्मपुत्र की वजह से, क्योंकि जो प्लेन्स हैं, रिवर्स हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्शन ज्यादा होती है, लोगों की जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो इजिली अवेलेबल है, इंडस्ट्री सेटअप है, तो इसीलिए ये ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है। अगे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन की, पॉपुलेशन कहाँ की ज्यादा होगी, कहाँ पे कम होगी, वो कौन सी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन, मोर्टेलिटी एंड नेटेलिटी। ये कैसे होगा इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। और बाकी जो हमने फैक्टर्स पढ़े, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमने पढ़े फिजिकल फैक्टर्स, जो जियोग्राफिकल फैक्टर्स थे, ठीक है, और ह्यूमन फैक्टर्स मतलब इकोनॉमिकल एंड सोशल। इकोनॉमिक फैक्टर्स कौन से होंगे, जहां पे एम्प्लॉयमेंट इजिली मिल जाएगी, एम्प्लॉयमेंट कहाँ मिलेगी, जहां इंडस्ट्रीज होंगी, तो इसीलिए जो इंडस्ट्रीज वाला एरिया होगा वो हाईली पॉपुलेटेड होगा। सोशल जो होंगे, हमने जिसको कहा कि जहां पे इजिली सॉरी अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन होगी, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज होंगी, अच्छी हाउसिंग होगी, तो वहां पे लोग ज्यादा रहेंगे। रिलीजियस प्लेसेस जो होते हैं वहां पे भी जो है डेंसली पॉपुलेटेड होता है, जैसे हम अभी हमने जिसके बारे में देखा वही देख लीजिए आप। कल्चरल अगर हम बात करें, प्लेसेस विद रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस अट्रैक्ट पीपल। उसके बाद इकोनॉमिक, जहाँ पे इंडस्ट्रीज ज्यादा होंगी, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी। अगर हम बात करें ओसाका जो है, ओसाका जो है उसको मैनचेस्टर ऑफ जापान कहा जाता है, क्यों, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज है वहाँ पे, इसीलिए जो ओसाका है बहुत हाईली पॉपुलेटेड है। और अगर मुंबई की बात करें वो भी हाईली पॉपुलेटेड है, क्योंकि वहाँ एम्प्लॉयमेंट जो है बहुत ज्यादा है। और अहमदाबाद की बात करें, अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, वो भी इसीलिए क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है, इसीलिए हाईली पॉपुलेटेड है। तो आप समझ गए कि होंगे कि इकोनॉमिक फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को। आगे बारी आती है पॉपुलेशन चेंज, पॉपुलेशन चेंज कैसे होती है किसी कंट्री की, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे।
पॉपुलेशन चेंज मतलब होता है कि किसी स्पेसिफिक टाइम में जो है पॉपुलेशन कितनी चेंज हुई है। अगर हम वर्ल्ड की पॉपुलेशन की बात करें तो 1800 मतलब जो 1800 सेंचुरी थी तब तक क्या हो रहा था कि जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज कर रही थी, पर स्लोली इंक्रीज कर रही थी, स्टीडली बट स्लोली, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है बर्थ होते थे, बहुत ज्यादा बच्चे पैदा होते थे पर इजिली मर जाते थे, क्योंकि उस वक्त फैसिलिटीज नहीं थी, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं थी और फूड शॉर्टेज बहुत ज्यादा होती थी, फार्मर्स के पास टेक्निक्स नहीं थी कि वो अच्छी जो है फसल उगा सकें, डिमांड्स पूरी नहीं होती थी, तो भुखमरी से ही कई लोग मर जाते थे। तो इसलिए क्या होता था कि पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज कर रही थी पर स्लोली इंक्रीज कर रही थी। पर 1804 की अगर हम बात करें उस वक्त पॉपुलेशन थी 1 बिलियन, अगर हम 1800 की बात करें उस वक्त पॉपुलेशन थी 1 बिलियन। उसके बाद 150 मतलब 1959 के आसपास ना 1970 के आसपास क्या हुआ, पॉपुलेशन 3 बिलियन, मतलब 150 साल में हमारी जो पॉपुलेशन है वो सीधे 2 बिलियन बढ़ गई, ठीक है। और 1999 में मतलब सिर्फ 30 से 40 साल में हमारी पॉपुलेशन जो है वो 3 बिलियन से सीधा 6 बिलियन होगी, सिर्फ जिस पॉपुलेशन को 150 साल लग गए 1 बिलियन से 3 बिलियन होने में, वही पॉपुलेशन जो है 3 to 6 बिलियन सिर्फ 30 से 40 साल में होगी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारी जो कंडीशंस हैं, हम जिसको बोल सकते हैं कि मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी होगी, जो फार्मर जिसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर जो है वो बहुत सुधर गया, क्योंकि टेक्निक्स आ गई अच्छी अच्छी, इनपुट अगर देने लगे तो आउटपुट अच्छी आने लगी, प्रोडक्शन अच्छी होने लगी, लोगों की डिमांड्स पूरी होने लगी, मेडिकल फैसिलिटी होने की वजह से जो डेथ रेट है वो कम होगी, पर जो बर्थ रेट थी, जो जितने बच्चे पैदा हो रहे थे वो कम नहीं हुआ, वो हाई रहा, तो इस वजह से पॉपुलेशन क्या हुआ, इंक्रीज होती रही। तो पॉपुलेशन जो है वो कौन कौन से फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन चेंज पे, बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन, ठीक है। बर्थ रेट मतलब नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पीपल एंड डेथ रेट मतलब नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पीपल, और माइग्रेशन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ पीपल, या तो लो कंट्री के अंदर आ रहे हैं या जा रहे हैं। तो ये तीन फैक्टर्स हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन, जो अफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन चेंज को, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि अगर किसी कंट्री की नेचुरल ग्रोथ रेट क्या होती है, कि जो बर्थ रेट और जो डेथ रेट है उसके बीच का जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं नेचुरल ग्रोथ रेट, द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट इज कॉल्ड द नेचुरल ग्रोथ रेट। तो किसी भी अगर हम पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन इंक्रीज इन द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन द ग्रोथ रेट, कि अगर हमारे पास जो नेचुरल ग्रोथ रेट इंक्रीज कर रही है तो उसका मतलब उसकी कंट्री की पॉपुलेशन जो है वो भी इंक्रीज करेगी। तो ये एक डाटा है जो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम 1800 की बात करें, यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी थी, 1 बिलियन के आसपास थी, ठीक है। फिर 1900 की अगर हम बात करें, 1950 के आसपास ये पॉपुलेशन जो है वो 3 बिलियन तक जो पहुँच गई, मतलब 150 साल में क्या हुआ, ये पॉपुलेशन 1 बिलियन से 3 बिलियन, मतलब 2 बिलियन जो है पॉपुलेशन बढ़ी। पर उसके बाद सिर्फ अगर हम बात करें 30 से 40 साल के स्पैन में ही ये पॉपुलेशन जो है वो सीधा 3 बिलियन से कितनी होगी, यहाँ पे 3 हुई, 3 बिलियन सीधा 6 बिलियन। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि फैसिलिटीज अच्छी हो गई, मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी होगी, प्रोडक्शन अच्छी होगी, लोगों की डिमांड्स पूरे होने लगी, बट वो जो बर्थ रेट था वो वैसा ही रहा। तो अब हमने पढ़ा कि तीन फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं हमारी जो पॉपुलेशन चेंज है, कौन कौन से, बर्थ रेट हो गया, डेथ रेट हो गया और माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होती है, माइग्रेशन हो रही है कि कंट्री में लोग आ रहे हैं या वहां से जा रहे हैं। तो दो फैक्टर्स हो गए, एक एमिग्रेंट्स और एक इमिग्रेंट्स। एमिग्रेंट्स क्या होते हैं, जब कोई पर्सन कंट्री में एंटर करता है तो उसको बोलते हैं इमिग्रेंट्स, और जब कोई कंट्री छोड़कर जाता है तो उसको बोलते हैं एमिग्रेंट्स, ठीक है। अब अगर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए की बात करें या ऑस्ट्रेलिया की बात करें, इनकी पॉपुलेशन जो है वो माइग्रेशन से बढ़ गई, क्योंकि ज्यादा लोग थे इनकी कंट्री में आने वाले, जिसको हम बोलते हैं इमिग्रेशन, मतलब इन माइग्रेशन, कि लोग जो है कंट्री में आए तो पॉपुलेशन चेंज में बहुत फर्क पड़ा, इनकी पॉपुलेशन बढ़ गई। और उसी तरह अगर हम कंट्री की बात करें सूडान की, तो इसका क्या हुआ, यहाँ पे लोग चले गए, मतलब आउट माइग्रेशन मतलब एमिग्रेशन, तो इसकी जो पॉपुलेशन वो कम हो गई। तो इस तरह से पॉपुलेशन चेंज जो है वो इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, कि माइग्रेशन के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, कि लोग अगर आपकी जो है कंट्री में आ रहे हैं तो उससे पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, अगर छोड़ के जा रहे हैं तो पॉपुलेशन जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज, पॉपुलेशन चेंज कैसे होती है। जैसे हमने कहा कि नेचुरल ग्रोथ रेट है, अगर वो इंक्रीज करेगी तो क्या होगा, पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी, पर सारी कंट्रीज के साथ ऐसा नहीं होता। कि अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कीनिया, कीनिया की क्या हुआ, इसकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बर्थ रेट बहुत ज्यादा हाई है, बर्थ रेट हाई है,
तो बर्थ रेट हाई है, और ऊपर से अगर अब मेडिकल जो हम बोलते हैं हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी होने की वजह से, फूड प्रोडक्शन अच्छी होने की वजह से क्या हुआ, जो डेथ रेट है वो काफी कम हो गई है, बट जो बर्थ रेट है वो हाई है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है क्योंकि हमारे पास हेल्थ केयर इंप्रूव हो गई है, पर बच्चे तो उतने ही पैदा हो रहे हैं, तो इसलिए इसकी जो ग्रोथ रेट है नेचुरल ग्रोथ रेट वो बहुत ज्यादा हाई है, और नेचुरल ग्रोथ रेट हाई होने की वजह से क्या है, पॉपुलेशन हाई है। ऑन द अदर हैंड अगर हम यूके की बात करें, यूनाइटेड किंगडम, वहां पे पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? क्योंकि जो हमारे पास यहाँ पे जो बर्थ रेट है वो कम हो रही है और जो डेथ रेट है वो भी कम हो रही है, तो इस तरह से जो इंक्रीज है, क्योंकि अगर लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट होगा तो उनके बीच का डिफरेंस भी कम होगा, तो उसकी वजह से जो नेचुरल ग्रोथ रेट है वो कम होगी, नेचुरल ग्रोथ रेट कम होने की वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज भी कम होगी। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, यहां से हम देख सकते हैं कि जो अगर वर्ल्ड की बात करें कि कहां पे जो है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज्यादा है, तो अफ्रीकन कंट्रीज में जो है पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा है। ये अफ्रीका है हमारे पास कॉन्टिनेंट, यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो ज्यादा है, 2-3% है। 1-2% में कौन सी कंट्रीज आती है, ये एशिया की कंट्रीज अगर हम बात करें, इंडिया की या बांग्लादेश की, और 1-2% कहाँ पे है, सॉरी 2-3% जो है वो भी अफ्रीकन कंट्रीज में, 1-2% में आता है इंडिया और ये साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। 0-1% आती है ये हमारे पास नॉर्थ अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, और 0 and less than 0% जो है वो हमारे पास यूरोप और नॉर्थ एशिया, ठीक है। आगे हम बात करेंगे पॉपुलेशन कंपोजिशन की। पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या होती है? पॉपुलेशन कंपोजिशन होती है कि अगर हमारे पास किसी कंट्री की जो है पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो क्या उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम होगी या ज्यादा होगी, क्या वो अफेक्ट करेगी? ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर हम बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश और जापान जो है इनकी पॉपुलेशन लगभग सेम है, इनकी पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो सेम है, पर जो जापान है बहुत इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्री है एज कंपेयर टू बांग्लादेश। तो अगर हम पॉपुलेशन कंपोजिशन की बात करें, हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं कि ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं कि जो जीरो टू, जैसे हमने 0-14 या 17 एक एज ग्रुप बना लिया, फिर 17-25 या 30 एक एज ग्रुप बना लिया, और 65 से अलग जो है एज ग्रुप बना लिया, कि हमने डिवाइड कर लिया। इससे क्या होता है, इससे एक आइडिया लगता है कि किस एज ग्रुप में कितने लोग हैं, कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, कितने एजुकेटेड हैं, कितने अर्निंग है, कितने जो है डिपेंडेंट हैं, कितने जो है डिपेंडेंट नहीं है या सेल्फ डिपेंडेंट है। तो इससे क्या होता है, जैसे अगर हम बात करेंगे जो 15 ईयर से कम है वो भी डिपेंडेंट में आते हैं, और जो 65 से अबव है वो भी डिपेंडेंट में आते हैं। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि पॉपुलेशन पिरामिड बनाने में एक हेल्प हो जाती है, और पॉपुलेशन पिरामिड से हम एक समझ सकते हैं कि वहाँ की ग्रोथ रेट कैसी है, नेचुरल ग्रोथ रेट, वहाँ की पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो कैसी है, तो पिरामिड से हम ये समझ सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, हम 3 कंट्रीज का पिरामिड यहाँ पे डिस्कस करेंगे और कंपेयर करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा हमें समझना। ये है केन्या। अब अगर ये जो हम पिरामिड है, यहाँ पे जो सबसे नीचे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो हमने ये डिवाइड कर लिया, 0-4 लिखा हमने कि 0-4 की एज वाले जो बच्चे हैं, फिर 5-9, फिर 10-14, 15-19, ये सारे अलग से एज ग्रुप बना लिए, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये हमारे पास मेल्स है, ये फीमेल्स है। ये जो सबसे पहले नीचे जो ब्रॉड है, जो हमारे पास ये नीचे जो है, अगर हम देख सकते हैं कि ग्राफ सबसे ब्रॉड है, तो ये ऐसा क्यों है, क्योंकि केन्या में क्या है, बर्थ रेट भी ज्यादा है और डेथ रेट भी ज्यादा है। उसकी वजह से क्या होता है, बर्थ रेट और डेथ रेट होने की, ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, जो बच्चे हैं, अगर डेथ रेट ज्यादा होगी तो कम बच्चे जो है वो एडल्ट बनेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये नैरो हो रहा है, नैरो होने का मतलब कि कम लोग जो है वो, कम बच्चे जो है वो एडल्ट तक पहुंचेंगे, और कम अगर एडल्ट कम होंगे तो हमारे पास जो सीनियर सिटीजन है अबव 65 वो भी कम होंगे। तो ये ऊपर की तरफ नैरो हो रही है, ठीक है। अगर एडल्ट कम होंगे तो क्या होगा, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जो लेबर होती है, एम्प्लॉयमेंट लेबर, वो कम हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं इसका जो इकोनॉमी के ऊपर असर पड़ेगा। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में जो है वो नीचे, अगर हम बेस की बात करें, ये ज्यादा ब्रॉड नहीं है एज कम्पेयर टू केन्या, क्योंकि यहाँ पे बर्थ रेट तो ज्यादा है पर डेथ रेट कम है। उसकी वजह से क्या है, ज्यादा बच्चे जो है वो एडल्ट बनते हैं, तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ज्यादा बच्चे जो है वो तो एक तरह से ज्यादा एडल्ट होने की वजह से जो लेबर फोर्स है वो अच्छी है, क्योंकि यंग पीपल ज्यादा होंगे तो एक तरह से हम स्ट्रांग और एक्सपेंडिंग लेबर फोर्स मिलेगी। पर आगे कुछ जो भी हम बोल सकते हैं कि अनहेल्दी लाइफ स्टाइल की वजह से या मेडिकल अलाइनमेंट की वजह से कम लोग जो है वो अबव 60 जो है वो पहुंच पाते हैं। और अगर हम जापान की बात करें, यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ का ग्राफ देखें कि जो बर्थ रेट और डेथ रेट है,
डेथ रेट कम होने की वजह से ज्यादा जो है बच्चे वो एडल्ट बनते हैं, और हेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से हम एक तरह से बोल सकते हैं कि जो ज्यादा लोग जो है वो हमारे पास अबव 65 होते हैं। तो एक तरह से ये सब चीजें जो है वो अफेक्ट करती हैं ह्यूमन को एज ए रिसोर्स में, क्योंकि ये सब चीजें जो है वो अफेक्ट करती हैं कि जो लोगों का एक पॉजिटिव आउटलुक और स्किल्ड और स्पिरिट जो स्पिरिटेड लोग हैं या होपफुल जिसको हम बोल सकते हैं यंग पीपल, वो इसकी तरह इसकी वजह से प्रोड्यूस होंगे। अगर हम बात करें इंडिया की, इन इंडिया वी आर फॉर्चुनेट टू हैव सच ए रिसोर्स, दे मस्ट बी एजुकेटेड एंड प्रोवाइडेड, कि हमें पता है कि ये हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स हैं, पर उनको थोड़ा सा क्या करना है, स्किल करना है, उनको ट्रेन करना है, अच्छी एजुकेशन देके या अच्छे उनको अपॉर्चुनिटीज देके या अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज से या फिर अच्छे जिसको हम बोल सकते हैं कि हाउसिंग प्रोवाइड करा के, तो ये सब चीजें हैं जो अफेक्ट करती हैं। तो ये था आज का चैप्टर ह्यूमन रिसोर्स, आई होप हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं ताकि आगे आने वाली वीडियोस जो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो हमने 8th का जो ज्योग्राफी है वो हमने कंप्लीट कर लिया है, तो अब बाकी वीडियोस जो है वो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी स्टे सेफ।